हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज मैं प्लांट को पहले पानी देने लगी थी और उसके बाद मैं आई किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही पनीर। उसके लिए मैंने लिए हैं कुछ टमाटर, थोड़े से प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन। आप इसमें ये सब चीज़ें अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसे शाही पनीर में काजू भी डालते हैं लोग, तो आप वो भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाल रही हूँ वो। तो मैं इन्हीं के साथ में बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ छील रही हैं और उसके बाद मैं छीलूंगी प्याज, क्योंकि हमें शाही पनीर में इन्हीं प्याज और टमाटर की ही मेन ग्रेवी होती है। तो ये हमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है सब्ज़ी में, बिकॉज़ ये थोड़ी सी थिक रहती है, थोड़ी सी गाढ़ी रहती है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो यहाँ पे मैंने ये तीनों चीज़ें ले ली हैं, प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची, और इनको मैंने धो लिया है। और ये मैं जो कट कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा बड़ा बड़ा कट कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसको ग्राइंड करना है थोड़ा फ्राई करने के बाद। वैसे तो हम जनरली जब ग्रेवी बनाते हैं तो हम इसी तरीके से कट करके इसको बस ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन शाही पनीर के लिए जनरली क्या होता है कि हम पहले जो ये हमने कट किया है उनको थोड़ा सा फ्राई करके तब ग्राइंड करते हैं, तो हमारा जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें थोड़ा बड़ा बड़ा कट किया है और मैंने थोड़ा तेल डाला है, थोड़ा जीरा, उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी और उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने धनिया कट कर लिया है और अब मैं पनीर भी कट कर लूँगी। पनीर आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं, जैसे हम जनरली मार्केट में खाते हैं तो थोड़ा बड़ा बड़ा पनीर होता है उसमें, अगर हम देखते हैं कि जो मार्केट वाली शाही पनीर की सब्जी होती है। तो यहाँ पे जो मसाला है वो भी हमारे अच्छे से हो गया है, जो हमने फ्राई करने के लिए रखा था। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड आपको तुरंत नहीं करना है, कि गरम गरम कोई ग्राइंड नहीं करना है, आपको थोड़ा ठंडा करने के बाद इसे ग्राइंड करना है। और अब बस मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैंने तेल डाला है, थोड़ा सा जीरा, एक लाल मिर्च जो खड़ी मिर्च होती है, एक तेज पत्ता, और उसके बाद जो मसाला अभी हमने ग्राइंड किया वो डालने के बाद हम बाकी सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे, जिसमें है आपका थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, और शाही पनीर का मसाला मैं थोड़ा बाद में डालूंगी, अभी मैंने नहीं डाला है। तो अभी हम इसको अच्छे से पकाएंगे, जितना आप अच्छे से इसको पका सकते हो, क्योंकि थोड़ा पकाने के बाद ये थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा शाही पनीर का मसाला, और अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और ऐड करूँगी इसमें, क्योंकि उससे क्या है कि थोड़ा सा अब ये कलर चेंज करेगा उससे। और उसके बाद मैंने इसमें पनीर डाल दिया और अब हमें इसे ज़्यादा देर के लिए पकाना ही नहीं है, हमें इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है। और जब तक हमारी सब्जी थोड़ा पक रही है तब तक मैं पराठे भी बना लेती हूँ लंच के लिए। तो यहाँ पे मैं पराठे सेक लेती हूँ, सो दैट कि हमारा लंच साथ साथ तैयार हो जाएगा और सब्जी भी उतने बन जाएगी। तो यहाँ मैं पराठे बना रही हूँ चार कोने वाले। वैसे तो मैं जनरली ट्रायंगल वाले बनाती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि चलो चार कोने वाले बना लेती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि इसकी लेयरिंग वगैरह काफ़ी अच्छी हो जाती है और लेयरिंग में जो पराठा आता है तो वो अच्छा लगता है। आप किस तरह के पराठे बनाते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं राउंड वाले पराठे तो मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, या तो मैं ट्रायंगल शेप में बनाती हूँ या फिर मैं ये रेक्टेंगल शेप में बनाती हूँ। तो ये देखिए हमारा पराठा भी ऑलरेडी बन के रेडी हो गया है और अब हम लंच बॉक्स करेंगे तैयार। तो यहाँ हमारी सब्जी भी बन गई है। सब्जी हमारी बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, बहुत ऐसी और बहुत गाढ़ी भी नहीं है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट आई है। और यहाँ पे मैंने लंच में रख दी है सब्जी और पराठा रख दिया है यहाँ पे। तो मैं तीन पराठे रख रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा इसमें से तोड़ दिया है और ये हो गया हमारा लंच बॉक्स रेडी। तो कैसी लगी आपको सब्जी मुझे ज़रूर बताना। और अब मैं उसके बाद अपना कर रही हूँ किचन क्लीन थोड़ा अच्छे से, क्योंकि मैं कुछ दिन से ठीक से किचन क्लीन नहीं कर पाई हूँ, और अपना जो गैस जो स्टोव है मेरा, मैं उसको भी नहीं ठीक से साफ़ कर पाई हूँ कुछ दिन से। तो मैं आज इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ सोप के साथ। तो जब स्टोव हमारा, गैस हमारी जब क्लीन रहती है तो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज अच्छे से इसको साफ़ कर ही देती हूँ। खाना तो मेरा बन ही गया है। तो यहाँ पे मैंने जिससे मैं बर्तन धुलती हूँ मैंने वो ही लिया है, वही वाला लिक्विड लिया है इसे धुलने के लिए, विम वाला, और मैं उसी से इसको साफ़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप सिंक के नीचे पानी डाल के भी इसको धुल सकते हैं, बट मैं वैसे नहीं धुलती हूँ, मैं इसी तरीके से
इस पे साबुन लगा के और एक कपड़े से मैं इसको साफ कर देती हूँ, तो ये अच्छे से साफ हो जाता है ऐसे भी। तो मैंने इस तरीके से इसको साफ कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा ऑयल ऑयल हो जाता है स्टोव पे और थोड़ा धूल जैसी भी हो जाती है, तो वो गंदा लगता है। और ये मैंने सिंक में डाल दिया धुलने के लिए इसके स्टैंड को। और यहाँ पे अभी मेरी क्लीनिंग चल रही है। अभी मुझे टाइल्स भी एकदम साफ करने अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा ये है कि हमने यहाँ पे नया शिफ्ट किया है और जो पहले रहते थे उन तो उस हिसाब से टाइल्स थोड़े गंदे हो रखे हैं, तो ये भी मैं एक दिन अच्छे से साफ करूंगी टाइल्स को भी। तो उसके लिए भी मुझे एक दिन टाइम निकालना है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चिप 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 जो रहता है टाइल्स पे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये भी मैं एक दिन करूंगी साफ और आपके साथ शेयर करूंगी कि आप ऑयलिंग वगैरह जैसे हो जाती है टाइल्स पे तो उसको कैसे क्लीन कर सकते हो। उसके बाद मैंने इधर अपने कॉर्नर वाला भी अच्छे से साफ किया यहाँ से हटाने के बाद। आप देख सकते हो टाइल्स थोड़े गंदे गंदे लग रहे हैं। और तो ये मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि एक तो टाइल्स का थोड़ा कलर भी वैसा है और ऊपर से थोड़ा थोड़ा वो हो भी गए हैं, और किचन में होता है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा ऑयल वगैरह भी लग जाता है तो उसकी भी गंदगी रहती ही है। तो यहाँ पे मैंने ये भी अच्छे से साफ कर दिया। उसके बाद जो मेरे किचन में जो ऑयल वाले कंटेनर थे वो मैंने क्लीन किए, क्योंकि थोड़े से उन पे भी डस्ट जैसी हो गई थी। और गर्मी इतनी हो रही है कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है अभी इस टाइम पे, तो मैं ये सब समेटने के बाद नहाऊंगी। और उसके बाद मैंने आ गई अपने बर्तन धुलने के लिए। बर्तन भी काफ़ी हो गए हैं तो मैंने सोचा कि बर्तन एक साथ ही धुलूंगी। वैसे तो जनरली मेरी हैबिट ये है कि जैसे मैं काम करती रहती हूँ तो साथ साथ जैसे एक दो बर्तन होते हैं तो मैं साथ साथ धुलती रहती हूँ। और बर्तन धुलने के बाद फिर मैंने लाविया को खिलाए थे बॉयल पोटैटो, वो उसे बहुत अच्छे लगते हैं नमक डाल के। एंड बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।